नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। में कीर्ति लेकर हाजिर हूँ मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरें। रतलाम में नर्सों का आंदोलन 8 दिन से लगातार जारी है। 800 लिए ये नर्सें लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए सद्बुद्धि के लिए ये यज्ञ भी किया। रिंग रोड फेज 2 से कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले को लेकर किसानों को पूरी जानकारी नहीं दी गई है। बिना मुआवजा दिए ही ग्राम खैरा में काम शुरू कर दिया गया। इसी को लेकर किसानों ने और उनसे निवेदन किया। देखिए, जब हमारी जनता के ऊपर आपत्ति आती है तो जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? जनता की आपत्ति का निराकरण करने के लिए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसका नक्शा माने सब कुछ बनवा दिया। उन्हें मालूम है कि चौराहा कहाँ बनेगा। हमारे यहाँ के विकास पुरुष जी को मालूम है चौराहा कहाँ बनेगा, लेकिन किसानों को नहीं मालूम है कि चौराहा कहाँ बनेगा और किसकी उसकी ऊंचाई कितनी होगी और उसके क्या मापदंड होगी। सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए कि बिना मुआवजा दिए हुए किसानों के जमीनों में काम शुरू कर दिया गया। आप सोचिए, सिंचित जमीन, असिंचित जमीन और माने उसका मुआवजा कितना होना चाहिए। घर लोगों के फंस रहे हैं उसकी। स्वास्थ्य अधिकारी की पहल पर शत प्रतिशत कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर तमाम बैंक फाइनेंस कंपनियों को भी शामिल किया गया है। इसी के मद्देनजर एयू फाइनेंस में स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें बैंक के लगभग 60% फाइनेंस कर्मचारियों को टीकाकरण किया गया। बता दें कि इंदौर शहर में टीकाकरण को लेकर हर संस्था अपनी अपनी ओर से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी कड़ी में एयू फाइनेंस ने भी अपना कदम आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया से अनुरोध करने पर कंपनी के अंदर टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। हम लोगों ने हमारा बैंक एयू बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और हमारे सीनियर मैनेजमेंट का ड्राइव चल रहा है कि हर एम्प्लॉय हमारा वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो हमने अपनी यही बात प्रवीण जड़िया जी जो DIO है उनके सामने रखी। उन्होंने हमारे को प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया। ये एयू बैंक में उन्होंने दूसरी बार हमारा कैंप किया है जिसमें हम करीब करीब 300 लोगों को वैक्सीनेटेड करा चुके हैं और हमारा उद्देश्य है कि जितने हमारे बैंक में एम्प्लॉई हैं पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सभी जल्द से जल्द। रीवा में शराब तस्करी करते पकड़े गए युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस चौकी लाया जा रहा था। उसी दौरान गाड़ी में पीछे बैठे 30 साल के आरोपी ने छलांग लगा दी और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इलाज के दौरान आरोपी की मौत भी हो गई। इसी को लेकर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शराब तस्करी के झूठे आरोप में फंसा कर उसे हिरासत में ले लिया था। तीन भाई और दो बहन है और ये छोटे लाल साकेत मेरे पापा को घर गया जगाने 4:58 में जगा कर गया, जगाया और मुखारी तोड़ कर दिया। मुखारी तोड़ा, मेरे पापा ने बोले हम नहीं जाएंगे, हमें माटी बनाया था मीट पार ती हम गोबर टारा रहे ती फिर गा लौट के घरेगा और घरे से फिर पुन आवत जबरदस्ती जगह इसके चलाम फराने हम पीलिया झरावे जाइला है। पीली घरे से हमने बताया गया कि हम पीलिया झरवावे लेके जाइला है, भेज दे। हम 10 मिनट में आई थे, 10 मिनट में इभे पता नहीं कहाँ लगे कहाँ नहीं। ओके बावजूद हमार बड़का भाई गांव में खेला रहा था, गांव गांव में फोन कर कि फलाने आदमी फला आदमी ऐसा ऐसा हो गया है, रीवा भर्ती है ना। हम दोनों गए थे भेज सरोजा, वहाँ से वापस आ रहे थे, दारू लिया थोड़ा, वहाँ दोनों आदमी थोड़ा थोड़ा लिया, वहाँ से आ रहे थे तो पुलिस वाले हमको सिविल ड्रेस में पकड़े। इसके बाद वो लोग मारपीट किए साथ में,
वहाँ से फिर गाड़ी 100 नंबर की बुलाए पुलिस ब्लोरो की, वहाँ पे हम लोग को बैठाया दोनों आदमी को, वहाँ से लेके जा रहे थे, वहाँ से फिर गाड़ी में हाथापाई किए, मार और रहे थे, यहाँ भी मारे, जिगरा पड़ के गाड़ रहे। हाँ, ये नई गढ़ी की भीड़ चौकी की पुलिस है, ये शराब के एक मामले में आरोपी को पकड़ के ला रही थी। उसी समय जो आरोपी था, जो गाड़ी में बैठा हुआ था, पीछे दो आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी जो गाड़ी से नीचे कूद गया, उसको चोट लगी थी। उसको चोट लगने के कारण से उसको नई गढ़ी में दिखाया गया, उसको वहाँ से रेफर होकर संजय गांधी में आया, यहाँ उसका इलाज चल रहा था। उज्जैन लोकायुक्त ने होमगार्ड ऑफिस से लेखपाल को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ठिगवा निवासी राकेश जाट की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बता दें लेखपाल जितेंद्र कुमार पांडे के द्वारा 3000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद फरियादी ने इस बात की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। आरोपी लेखपाल फरियादी से 2500 पहले ही ले चुका था। कमांडेंट कार्यालय रतलाम में लांस नायक के पद पर थे, जिनकी मृत्यु बीमारी के कारण 28 फरवरी को हो चुकी थी। उसके बाद जो मृत्यु के उपरांत मिलने वाली जो संचित निधि और करुणा निधि के 51,000 रुपये और संचित निधि के लगभग 2,00,000 रुपये भुगतान होना शेष थे, तो 2,00,000 रुपये के भुगतान के लिए यहाँ जो अकाउंटेंट का कार्य देख रहा है ASIM जितेंद्र पांडे, उस व्यक्ति से वो भुगतान के संबंध में मिला, तो उसने जो है उससे 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और 2,000 रुपये उससे ले भी लिए। इसके उपरांत उस आवेदक ने जब शिकायत की तो हमने उसको तस्दीक करा के हमने आवेदक की आरोपी से आमने सामने बात कराई। बात कराने के समय भी जो है उसने आवेदक से 500 रुपये ले लिए। अब जो शेष 500 थे उसको ये तंग कर रहा था, तो आवेदक को हमने आज अपने कार्यालय सुबह उज्जैन में बुलाया, 500 रुपये पर केमिकल लगाकर इसको दिया। हम आवेदक को लेके आए और उसको जो है जैसे ही आरोपी को 500 रुपये शेष राशि उसकी दी, और तत्काल हमारी जो इस कार्यालय के आसपास टीम तैनात थी, जितेंद्र पांडे ASIM को 500 रुपये आवेदक राकेश जाट। मंदसौर जिले के थाना में 21 साल के बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां आरोपी बालिका को बहला फुसला कर उसका शोषण किया करता था। वहीं पीड़िता की शिकायत पर नाहरगढ़ थाना पुलिस ने मामले में रतलाम जिले के ताल निवासी आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता था। इस मामले को पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन की पहल पर वैक्सीन ऑन व्हील का मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पोलो ग्राउंड पहुंचकर शुभारंभ किया। ये वैन इंडस्ट्रियल एरिया में घूम घूमकर यहां काम करने वाले करीब 1,00,000 औद्योगिक कर्मियों के साथ ही उनके परिजनों का भी वैक्सीनेशन करेगी। लक्ष्य है कि जब तक 18+ के सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, वैन का घूमना बंद नहीं होगा। वैन निर्धारित दिन और समय पर सवेर रोड औद्योगिक क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर वैक्सीनेशन कार्य करेगी। क्या हुआ सर कि मेरा अपना कहना यह है कि जब भी देश में कोई आपदा आई है या विकट कोई संकट आया है या सिटी में कोई नेचुरल कैलेमिटी आई है, तो उद्योग जगत पूरा एक साथ उस कैलेमिटी को ख़त्म करने में, उसको कम करने में लगा रहा। वैसे ही इस बार पिछले लॉकडाउन में भी उद्योग जगत ने बहुत मजदूरों की सबकी सेवा करी, इस बार लॉकडाउन के अंदर भी हमने अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करी और यहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जिसमें यहाँ पे लोग आए। जब यहाँ के वैक्सीनेशन सेंटर में 5,000 से ऊपर वैक्सीनेट हो गया और कुछ भीड़ कम होने लगी। शुभकामना देता हूँ क्योंकि तीसरी लहर जो रुक सकती है वो वैक्सीन से ही रुक सकती है, और पवित्र काम घूम घूम कर इस वैन के माध्यम से जो ये संस्था ने किया, बाकी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दानपात्र एक ऑनलाइन निशुल्क प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है देश के हर जरूरतमंद परिवार तक मदद पहुंचाना, उन्हें विकट परिस्थितियों से निकालकर आगे बढ़ाना। वहीं इसी को लेकर इंदौर शहर में दानपात्र टीम लगातार ये जागरूकता फैला रही है कि जो परिवार सक्षम है और मदद कर सकते हैं वो राशन का सामान देकर इस समय इन परिवारों की मदद के लिए आगे आए। जो इस समय दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं उनकी मदद कीजिए। वहीं इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है।
इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक शव मिला। शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने बताया शव 3 से 4 दिन पुराने हैं। मौके पर एएसपी और थाना प्रभारी पहुंचे, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि इंदौर में शव मिले हैं 3, जिसका पता नहीं चल पाया है। ये काफी दिन पुराने शव अभी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचते हुए इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल शिनाख्त करने में जुड़ गई है। हाँ, ये तालाब में अभी ये शव मिला है। देखने से कोई जाहिर तौर पर चोट तो समझ नहीं आ रही है, किंतु 3 से 4 दिन पुराना शव है, ऐसा देखकर शव को लगता है। अभी इसको बाहर निकाला जा रहा है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। मर कायम कर लिया गया है और जो भी तथ्य। गुना के धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत रुठियाई चौकी चौपेट नदी में एक पोकलेन मशीन 12 ट्रैक्टरों के साथ अवैध खेत खनन करती देखी गई। सूत्रों का कहना है कि यह अवैध खनन काला कारोबार पिछले 15 दिनों से जारी है। यह सब खुलेआम चलने पर भी प्रशासन मौन है, जबकि जिले के मुखिया ने इस कारोबार को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो खुले आम रेत का खनन करते हुए ये मामला गुना से सामने आया है, जहां पर एक पोकलेन मशीन 12 ट्रैक्टरों के साथ अवैध खनन करती हुई नजर आई। अब खुले में चलने वाले इस खनन पर प्रशासन किस कदर कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। SBM संस्था की महिलाओं ने नेपाल में कोरोना से मरने वाली महिलाओं का मुस्लिम रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया, साथ ही गरीब और असहाय लोगों की मदद भी की। वहीं इसी को लेकर महिलाओं को भोपाल मस्जिद कमेटी के चेयरमैन यासिर अराफात ने कोरोना योद्धा मानते हुए अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। वहीं महिलाओं ने अवार्ड मस्जिद कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए ये भी कहा कि इंसानियत का फर्ज था और इस फर्ज को हम आगे भी निभाते रहेंगे। इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र के जूना रिसाले में बारिश होने से कई लोगों के घरों में पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ है। तेज बारिश होने से नाले का पानी कई लोगों के घरों में घुस गया। वहीं इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अभी तो बारिश चालू भी नहीं हुई और ये कंडीशन हो गई यहाँ की कि बता नहीं सकते आपको, मतलब आधे घंटे का समय नहीं होगा बारिश को। ये हाल हुआ कि हमारे घर के आसपास के जो बाहर का सामान रखा था वो भीग गया है। नाले का कंडीशन देख लीजिए, हमारे पेड़ देख लीजिए, हम रात से परेशान हो रहे हैं 2 घंटे से। किसी जिम्मेदार नागरिक को फोन लगा रहे हैं, गढ़वाले लोगों को, यहाँ के पार्षद वगैरह, हमारे सूद नहीं लेते, कोई नहीं लेता, हम क्या करें। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो भी पाबंदियां लगी हुई थी उसे खत्म कर दिया गया है। जिम मॉल को खोलने की अनुमति भी प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। वहीं कोरोना कर्फ्यू के खत्म होने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का सभी को सख्ती से पालन करना होगा। विश्वास सारंग ने कहा, जुलाई महीने में मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान चलाएंगे, जिसमें राज्य के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। वहीं दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया है। कांग्रेसी नेता हमें फोन लगाकर बोलते हैं वैक्सीन लगवा दो, फिर बयान कुछ और देते हैं। सुनिए विश्वास सारंग ने और क्या कुछ कहा। जिला प्रशासन ने टेस्टिंग की रिपोर्ट के मामले में जो कांग्रेस के आरोप है उसका पूरी तरह खंडन भेजा है। आप कलेक्टर के खंडन को पढ़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि बिना तथ्य के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन टेस्टिंग की बात की जा रही है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट स्टेशन पर या ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं जहाँ भीड़ भाड़ होती है, उसमें से बहुत बार एक परिवार का जिसमें 4 सदस्य 5 सदस्य उनका टेस्ट किया जाता है, पर एक ही व्यक्ति का नंबर लिख दिया जाता है। बहुत बार महिलाएं और बेटियां अपना नंबर नहीं देना चाहती हैं तो उस ग्रुप के किसी भी मेल मेंबर का नंबर लिख लिया जाता है। बहुत बार बड़ी संख्या में एक साथ एक ग्रुप का टेस्ट होता है
नंबर एक ही का अंकित किया जाता है। दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि नंबर नहीं होगा तो जानकारी कैसे होगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट में तो उसी समय रिपोर्ट आ जाती है, नंबर पे फिर से फ़ोन करने की कहीं आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगता है बिना तथ्य के, बिना किसी जानकारी के कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगा रही है। कांग्रेस के नेताओं को तो लाशों पर राजनीति करना और आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढना ये आदत हो गई है। कलेक्टर भोपाल ने इसका पूरी तरह से खंडन दिया है। मुझे लगता है आप लोगों को भी वो खंडन को जरूर पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया है। कुछ सेगमेंट छूटे थे वो भी आज से शुरू हो रहे हैं, जैसे मॉल, जिम, अब रेस्टोरेंट में भी आधी कैपेसिटी पर डाइनिंग बिठाकर भी भोजन कराने की छूट दी गई है। शादी की भी जो सीमित संख्या है उसको और बढ़ाया गया है, 50 तक अलाउ किया गया, 25 वधु पक्ष के और 25 वर पक्ष के अतिथि रहेंगे। पर फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, गति मध्यम हुई है। दूसरे राष्ट्रों में देखिए, यूके में फिर से वो लोग लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में बहुत तेजी से कोरोना की तीसरी वेव आ रही है। कोरोना समाप्त नहीं हुआ, कोरोना की गति मध्यम हुई है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी तो जिए, परंतु कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क। भोपाल में कांस्टेबल और एडिशनल एसपी के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। गाड़ी टकराने को लेकर एडिशनल एसपी और कांस्टेबल के बीच झड़प हो गई। बता दें कि एडिशनल एसपी टीटी नगर डिपो चौराहे पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, जहां बैरिकेड हटाते समय एडिशनल साहब की गाड़ी कांस्टेबल से टकरा गई, जिसको लेकर कांस्टेबल और एडिशनल एसपी में विवाद हो गया। इसी को लेकर एडिशनल एसपी और कांस्टेबलों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। इस मामले में मारपीट की एफआईआर दर्ज की गई है और दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये थाना टीटी नगर क्षेत्र का मामला है। इसमें जो फरियादी हैं, जो एडिशनल एसपी रैंक के हैं, अभी एसपी डायल एंटेड हैं, उन्होंने शिकायत करी थी कि तीन कांस्टेबल्स ने उनके साथ में झूमा झटकी करी है। एक्चुअली जो पूरी वारदात है वो जवाहर चौक की है, टीटी नगर क्षेत्र की, जहां पर रात को बैरीगेड हटाने पर ये एडिशनल एसपी साहब ने बैरीगेड हटाए थे, तभी इनके द्वारा गाड़ी निकाली गई और जो उनके पैर में टच हो गई थी, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया था। और दोनों ही सिविल ड्रेस में थे, दोनों ही यूनिफॉर्म में नहीं थे, ना ड्यूटी पे थे, इसलिए दोनों को ही नहीं पता था, दोनों पार्टीज को, कि पुलिस में है। हरदा के खंडवा स्टेट हाईवे पर 20 साल की ब्यूटी पार्लर संचालिका को गोली मार दी गई, जिसके बाद संचालिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि आरोपी और पीड़िता के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन उसने शादीशुदा होने की बात छुपा रखी थी। पीड़िता ने उसे रुपए भी दिए, लेकिन जब उसे युवक के शादीशुदा होने की बात का पता चला तो युवती ने आरोपी के पिता को कॉल किया। इसमें पीड़िता ने उसे कहा कि तुम्हारे लड़के ने मेरे साथ गलत किया है, झूठ बोलकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। वहीं प्रेमी ने 1.5 लाख रुपए देने के बहाने बुलाकर उसे गोली मार दी। आज दोपहर 12:30 की बात है, एक कड़ोला नदी के पास जो है एक 20 वर्षीय बालिका को गोली लगने की सूचना मिली थी, तो मौके पे थाना सिविल लाइन की टीम और वरिष्ठ अधिकारी की टीम गई थी और उसको लेकर जो है अस्पताल में लाए हैं, और प्रथम दृष्टया धारा 307। भोपाल के कोलार थाना इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है। नौकरी दिलाने के नाम पर युवक ने 34 वर्षीय महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली है। एडिशनल एसपी अंकित जायसवाल के मुताबिक महिला को राहुल दांगी नाम का युवक नौकरी दिलाने का बहाना करके ले गया था। महिला को आरोपी ने झोला थाना क्षेत्र के नवजीवन कॉलोनी में बंधक बना लिया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल महिला की शिकायत पर आरोपी राहुल दांगी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। कल देर रात संज्ञान में घटना आई हुई थी। मीराबाई बर्मन जो गोंदिया की रहने वाली है, उसके द्वारा बताया गया कि डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता मंदिर के पास उसकी राजू रामलाल भटोरिया नाम की व्यक्ति से पहचान हुई थी और लगभग 1 साल से फ़ोन से बात होती रही। इसके बाद वो अभी पुनः डोंगरगढ़ गया हुआ था, उसके साथ वो दो बच्चों के साथ में यहाँ पर आई हुई थी।
होटल मिलन में रुकी हुई थी, जहां पर उसके साथ शादी का झांसा देकर के बलात्कार किया गया। उस पर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। ज़्यादा जानकारी महिला को बिल्कुल नहीं है, एक मोबाइल नंबर दिया है उसने और राजू रामलाल नाम बताया हुआ है। और उसका कहना यह है कि बीच बीच में उसके द्वारा बताया गया था कि वो झांसी का रहने वाला है, वर्तमान में सिरडी पर रहता है। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है, तो जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रतलाम के पिपलौदा के जैन मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने मंदिर के अंदर मौजूद संगमरमर की दानपेटी को तोड़कर रुपए चुरा लिए। पुरानी बंशी लाल शर्मा ने बताया कि वो मंदिर से पूजा करके घर चला गया था। वहीं सुबह जब पुजारी मंदिर आया तो देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए थे और मंदिर की दानपेटी भी टूटी हुई थी, जिसमें से राशि निकाल ली गई थी। इस घटना के बाद पुजारी ने मंदिर के अध्यक्ष और सचिव को इस बात की सूचना दी। बता दें कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की हकीकत कैद हो गई है। उस घटना को के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाशी की जा रही है। अपना जैन मंदिर दादावड़ी के नाम से है यहाँ पर, उसमें करीबन 11 बजे के लगभग कुछ अज्ञात लोग पीछे से सीढ़ी का सहारा लेके उसमें घुसे थे और वहाँ के दान पत्रों को तोड़कर कुछ उसमें रखा हुआ कम से 5 से 7 हज़ार रुपये करीबन बताया गया है वो चोरी करके ले गए हैं। उस पर तत्काल जब पीड़ित पक्ष जो था तो उसने जैन समाज के लोगों ने वो मुकदमा यहाँ दर्ज कराया है, जिसमें तत्काल रिपोर्ट दर्ज की जाकर अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। जब मैं सुबह 5:15 बजे उठा, मंदिर खोलने आया, गुरु मंदिर का दरवाज़ा देखा, ताला टूटा हुआ था। मैं गेट खोल के अंदर देखा, जो संगमरमर का अंदर जो भंडार था वो पूरा टूटा हुआ था, उसकी नकदी गायब थी। फिर मैंने प्रभु मंदिर का गेट देखा जाके, वहाँ का भी ताला टूटा हुआ था। गेट खोल के देखा, वहाँ का भंडार गायब था। फिर मैंने पेड़ी पर व्यवस्थापक लखन सिंह इनको उठाया, इनको जानकारी दी। इन्होंने अध्यक्ष महोदय एवं सचिव को फ़ोन पर जानकारी दी। वो लोग आए, उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने फिर थाने में जाकर जानकारी दी। वहाँ से पुलिसकर्मी आए और उन्होंने देखा, मौके का जायज़ा लिया और भंडार भी पीछे रखा हुआ था, पीछे सीढ़ी लगी हुई थी जहाँ से चोर घुसे। सीसीटीवी के अनुसार रात को 11। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।